नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, और एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। हम लोग एंट्री तो सही जगह पे ले लेते हैं बट एग्जिट नहीं कर पाते और उसका चक्कर में जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना हम लोग नहीं ला पाते। तो इस वीडियो में मैं पूरा चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं या हम लोग का टेलीग्राम चैनल में फ्रीली ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एलएस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म और भी अच्छा है। तो और डिटेल जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलएस ब्रोकर की तरफ से फोन चला जाएगा, मन में जो भी डाउट या क्वेरीज है आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो चलिए आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस का ऊपर। आज को मैं 16 तारीख का फुल डे का परफॉर्मेंस आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले एक इंट्राडे ट्रेडर का मेन नेगेटिव पॉइंट कहाँ पर होता है। देखिए, ट्रेडर को लगता है जो हमेशा उसको प्रॉफिट ही होगा, बट इस चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है। देखिए, हमेशा प्रॉफिट होगा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मार्केट में है ही नहीं। बहुत सारा ट्रेडर को मैं देखा हूँ, कोई अच्छा स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा है, 2 दिन लॉस हुआ तो उसको हटा के दूसरा स्ट्रैटेजी में चला गया। तो इस चीज़ को करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे तो आप डेली सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज करते रहेंगे, कभी भी आप उस टाइप का सक्सेस नहीं ला पाएंगे। तो कोई एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और उसी को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के जाएगा। रूल को फॉलो करना है, जैसा देखिए हम लोग के सॉफ्टवेयर में ये जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है ये आपका सिग्नल है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। राइट साइड में देखिए उसका वैल्यू लिख के आ रहा है, 43,739.9 पे बाई करना है, ऊपर में T1 T2 T3 टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस। अब बहुत सारा वीडियो में मैं ये चीज़ बताता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस देखने का कोई जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मेंटेन कीजिए, टारगेट को देखने का जरूरत भी नहीं है। पहले देख लीजिए जो कंडीशन कितना प्रॉपर है, कॉल तो बहुत सारा बनता है, इस कॉल को हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे, 3 कंडीशन देखना है। बाइंग का टाइम सबसे पहले देखिए नीचे का जो रिबन है उसका कलर ग्रीन है या नहीं, तो ये ग्रीन है इसका मतलब है यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। सेकेंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसे हम लोग ब्रिक्स ब्रेकआउट कहते हैं, ब्रिक्स मतलब नीचे में जो इंडिकेटर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ब्रिक्स, इसमें 3 टाइप ऑफ कलर आपको दिखेगा, ग्रीन रेड एंड ब्लू, ग्रीन बाइंग के लिए, रेड सेलिंग के लिए, ब्लू मतलब है ट्रेंड रिवर्सल या साइडवेज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ब्रिक्स का काम क्या है, ब्रिक्स का काम है बाइंग का टाइम में ग्रीन रहेगा और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर रहेगा। देखिए जहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ किया उसका वहीं से ब्रिक्स ऊपर जाना शुरू किया, तो जिस टाइम बाय का कॉल में आप एंट्री लेने जा रहे हैं ब्रिक्स ब्राउन का ऊपर रहना चाहिए। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है जिसको आपको मैच करना है और उसका बाद आप एंट्री लीजिए। एंट्री लेने के लिए, एंट्री लेने के बाद आपका मेन जो फोकस होगा वो है एग्जिट। एग्जिट के लिए सबसे पहले जो चीज देखना है वो है ब्रिक्स। देखिए इस कैंडल ने ब्रिक्स नीचे आ गया, तो ये जो कैंडल है यहाँ पर ब्रिक्स नीचे आ गया तो ये एक संकेत है जो शायद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। तो इसका पहले तक कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सोचने लायक बात है, बट अभी भी आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट जहाँ पर नीचे का रिबन भी रेड हो जाएगा और ब्रिक्स आपका नीचे ही है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको पोजीशन छोड़ देना ही बेटर रहेगा। देखिए अल्टीमेट क्या होने वाला है आगे किसी को भी पता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हुए आप वेट कर सकते हो, वो है आपका येलो लाइन। तो देखिए येलो लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, तो येलो लाइन को अगर ब्रेक करके मार्केट नहीं नीचे गिरेगा तो अल्टीमेट देखिए मार्केट को ऊपर लेके चला गया और ब्रिक्स यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट किया और यहाँ से ऊपर धीरे धीरे लेके चला गया। इस जगह पर दोबारा ब्रिक्स ने ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पर आपको फिर से इंडिकेशन मिल रहा है जो पोजिशन को छोड़ना है। देखिए रियल टाइम मार्केट में हर एक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो आपको हर एक पॉइंट को बता दे रहा है जो मार्केट में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर है। 100% प्रॉफिट वाला इंडिकेटर अगर आप ढूंढेंगे तो इस मार्केट में आपको कभी मिलेगा नहीं। तो कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, एंट्री पे फोकस कीजिए, एग्जिट पे फोकस कीजिए, टारगेट का रेशियो को बढ़ाइए, प्रॉफिट का रेशियो को बढ़ाइए, लॉस को रिड्यूस करने के बारे में ज़्यादा सोचिए। अल्टीमेट देखिए यहाँ पर सेल का कॉल बना भी है, जो सेल का कॉल प्रेस बना है इसमें क्या क्या कंडीशन, वही सेम कंडीशन रिपीट करना है। नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट यहाँ पर स्टार नहीं बना, स्टार बाद में बना है। तो बाद में बनने का मतलब है यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट एक चीज़ याद रखिएगा सिग्नल का पहले जो स्टार बनता है उसका कन्फर्मेशन हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है।
स्टार बाद में आने का मतलब ये नहीं जो आपका अचीव नहीं होगा, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, बट ब्रेक्स का साथ आपको निकल जाना पड़ेगा। बहुत टाइम ऐसा हम लोग होता है जो सारा कंडीशन मैच है, मैं एंट्री लिया और मार्केट रिवर्स हो गया, ऑपोजिट में चला गया, और हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग वहां पर वेट कर जाते हैं, और वेट करने के चक्कर में इतना वेट कर जाते हैं जहां पर ना ही हम लोग और वेट कर पाते नहीं निकल पाते। सोचिए 1,000 का लॉस हो रहा था, अब 10,000 में लॉस में कन्वर्ट हो गया, उस जगह पे खड़ा होकर हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इसके लिए अगर मार्केट आपका अगेंस्ट चला गया है तो सेंटिमेंटल मत बनिए, निकल जाइए, दोबारा फ्रेश पोजिशन बनाइए। जो 1,000 रुपये आप लॉस किए वो फिर से 5,000 का प्रॉफिट आ सकता है आपको। तो इस चीज़ को समझना है, सही ट्रेड लीजिए, कोई ट्रेड को मिस मत कीजिए। अगर कंसेप्ट मैच का साथ कोई कॉल आपको दिखेगा तो ऑब्वियसली उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। जैसे दोबारा देखिए बाय का कॉल बना, ये सोचिए सेल का कॉल में आप उतना खास प्रॉफिट नहीं बना पाए, बट फाइनली बाय का कॉल बना, वही सेम कंडीशन के साथ देखिए स्टार का साथ बना, नीचे का रिवन ग्रीन है और ब्रिक्स उसी जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है। अब इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम कॉल बन रहा है अगर उसी टाइम ब्रिक्स का ब्रेकआउट होता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। देखिए सिग्नल यहाँ पर बन रहा है, स्टार यहाँ पर बना, तो मैं यहाँ पर एंट्री लेने जा रहा हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है ब्रिक्स ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट कर चुका है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है, इसका मतलब आप ट्रेड नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली ध्यान में रखना है जो ऑलरेडी लैंडिंग निकल गया है, और यहाँ पर देखिए सिग्नल भी बना है स्टार का सा और उसी टाइम ब्रिक्स का मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आपको मौका ज़्यादा मिलेगा। और इस कैंडल पे देखिए यहाँ पर जो नीचे में ब्रिक्स का कलर जो ब्लू होता है ना, इसका भी एक सिग्निफिकेंट है, ये ब्लू हुआ है इस कैंडल पे। तो इस कैंडल पे जब ब्लू हुआ है इसका मतलब है ये एक टॉप लेवल क्रिएट हो चुका है। और अगर आप मेरा सॉफ्टवेयर में रेंज का बारे में ऑलरेडी पता है तो देखिए ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन चल रहा है इसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। तो जो बंदा बाय कर रहा है उसको ब्रेकआउट का मैक्सिमम रिच मिलेगा, मतलब इसका बाद जाके मार्केट सेचुरेट हो जाता है। तो अल्टीमेट देखिए यहाँ पर हिट किया ब्रिक्स ब्लू हुआ और धीरे धीरे मार्केट को गिरा दिया। तो चीज़ों को समझ के ट्रेड कीजिए, पैसा जरूर बनेगा, हड़बड़ी मत कीजिए, सही कॉल के लिए वेट कीजिए, लॉस हो रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए, हर एक कॉल को अटेम्प्ट कीजिए, सही कॉल एकदम परफेक्ट कॉल में क्वांटिटी ज़्यादा कीजिए। अगर वहाँ कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे जो यहाँ पर रेंज सही नहीं है या कॉल सही नहीं लग रहा है तो खेलिए मत कम क्वांटिटी का साथ खेलिए, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो आपको लॉस भी कम हो। तो ये दो चीज़ का ऊपर ही फोकस करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, लॉस को रिड्यूस करना है। अगर कोई ट्रेडर सोच रहा है ऐसा कोई चीज़ मिल जाए जो कभी लॉस ही नहीं होगा तो वो इस मार्केट में नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ इस मार्केट के लिए है ही नहीं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। और अगर आप मेरा वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो एक कॉमेंट जरूर कीजिए जो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।